तो जो बच्चे नए हैं उनको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। हम चला रहे हैं मोशन की प्लेलिस्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सूर्य पथ पर गति, और इस पे हम लोगों ने अब तक 3 वीडियोस पे काम कर भी लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको जाकर उन वीडियोस को पहले देख लेना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को जाकर देख लीजिए। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वी लर्न अबाउट द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी एनी पार्टिकल। पोजिशनल वेक्टर की सिंपल फॉर्मेट में बात करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। बट फर्स्ट वी हैव टू रिकॉल व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियस क्लास। एक क्विक रिविजन ले लेते हैं उसका फटाफट। तो हम लोगों ने इसमें बात की थी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मैं आपको वहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात की थी कि भाई डिस्टेंस जो होता है ये होता है पाथ लेंथ, यानी आप जो चलते हैं उस पाथ को आप कैलकुलेट करते जाइए, यानी डिस्टेंस इक्वल टू पाथ लेंथ। और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बात कही थी कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इसमें कहीं आपको माइनस की बात करनी नहीं कि कहीं माइनस कर दो, नहीं, आप डायरेक्शन की बात करो ही नहीं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हो चलने दो, बस ऐड करते जाओ, जितना चल रहे हो ऐड करते जाओ, ठीक है। वही मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी जब, तो मैंने कहा था भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन होता है, यानी डिस्टेंस भी है साथ में उसको डायरेक्शन अगर आपने ऐड कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट बन गया। मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। माइनस इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो वो कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस। और अगर प्लस माइनस दोनों हैं तो जीरो होने के चांसेस तो बनते ही बनते हैं, यानी ये बात यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दी थी। पर उस वीडियो में मैंने जिस चीज़ की बात नहीं की थी वो मैंने नहीं की थी भाई कि पोजिशन क्या होती है किसी पार्टिकल की या पोजिशनल वेक्टर क्या होता है। तो पहले इस वीडियो में हम उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट है पी, और वो किसी फ्रेम में है एक्स वाई जेड, 3D फ्रेम में। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। फिर से समझिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, और वो मेरा पी जो है ना वो यहाँ पर कहीं पर है। इस चीज़ को जरा समझिए कि ये पी यहाँ पर है, ना ही वो एक्स पर है, ना ही वो वाई पर है और ना ही जेड पर है। ऐसी कंडीशन में इसकी कुछ डिस्टेंस एक्स से भी होगी, वाई से भी होगी और जेड से भी होगी। अब ये जो इसकी डायरेक्शन है एक्स वाई जेड से एट द टाइम ऑफ t1 टाइम पर मैं बात कर रहा हूँ, तो अच्छा मैं इसको चाहे यहाँ पर लिख दूँ चाहे मैं ऐसे लिख दूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब इसकी पोजीशन की आप बात करोगे, x से है x t1, y से है y t1 और z से है z t1। तो ये जो आपने लिखा है ना एक्स टी वन वाई टी वन जेड टी वन, अच्छी इस टी वन को हटा के सिर्फ 1 लिख दो या डैश लगा दो या अपनी मर्जी से चाहे जो लिख लो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ ये बताता है कि एट द टाइम ऑफ t1 एक्स की डायरेक्शन क्या है, वाई की डायरेक्शन क्या है और जेड की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर कुछ बड़ी बात नहीं आती है, ठीक है ना। तो इस टी वन को आप हटा भी सकते हैं, पर ये आपको बताता है कि एक्स से क्या डायरेक्शन है, वाई से क्या डायरेक्शन है, जेड से क्या डायरेक्शन है एट द टाइम ऑफ टी, पॉइंट टी का, ठीक है ना। अच्छा, ये जहाँ पर तीनों डायरेक्शन यानी एक्स वाई जेड तीनों सेम है तो उसको आप ओरिजिन कहते हैं, और उसकी लेंथ अगर आप इस पी से देखें तो वो बन रही है R1, ऐसा मान लेते हैं कि ओरिजिन से जो उस पी का डिस्टेंस है उसको मैंने R1 दे दिया। अच्छा, R1 के ऊपर मैंने एक तीर लगाया, इस तीर को ही कहते हैं वेक्टर। ये वेक्टर ये दर्शाता है कि जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो ये किसी 3D डायग्राम में और उसकी कुछ डायरेक्शन एक्स से वाई से मिल रही है। जब आप एक्स वाई जेड की बात करते हैं, एक्स वाई की बात करते हैं, 2D या 3D की बात करते हैं, और जैसे आप डायरेक्शन लेके चले आते हैं और डायरेक्शन में किसी पॉइंट की बात करना चाहते हैं कि एक्स से क्या डायरेक्शन है, वाई से क्या डायरेक्शन, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्मेशन आ जाता है, यानी वेक्टर की आपको बात करनी पड़ती है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कुछ टाइम बीतता है और ये पी जो होता है, यानी मैं टी2 पे बात कर रहा हूँ, टाइम टी2 पर ये पी जो है वो अपना कुछ चेंज कर लेता है, मोशन कर जाता है, अपने प्लेस चेंज कर लेता है, पोजीशन चेंज कर लेता है। तो इस टाइम पर आप सभी को पता है इसकी पोजीशन क्या लिखनी चाहिए हमको, x t2 y t2 z t2। अच्छा, सिर्फ अगर t2 नहीं होता तो, हाँ t2 अगर नहीं होता तो 2 होता, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक, ओके, ये रहा, ठीक है, जैसे उसमें किया था सेम टू सेम, ये देखो वेक्टर लगा दिया। तीर का मतलब क्या है, यहाँ पर तीर का मतलब वेक्टर है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तीर का मतलब वेक्टर। अच्छा, अब ये सब तो सारी पोजीशन तो पता चल गई, जब सर इसके बीच का ये कितना मोशन किया, कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में हुआ, अगर मुझे इसका पता लगाना है, जैसे मान लीजिए पहले वो यहाँ था अब यहाँ कहीं आ गया, ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया अगर मुझे ये पता लगाना है तो सर मैं कैसे लगाऊँ, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, R2 वेक्टर में ध्यान रखिएगा R1, और इसको लिख सकते हो फिर R21 जो पहले है उसको आगे, ठीक है ना,
तो अब की पोजीशन आपको पता चल जाएगी, या आप कह सकते हो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको पता चल जाएगा, एक्स के फॉर्मेट में क्या है, वाई के फॉर्मेट में क्या है, जेड के फॉर्मेट में क्या है। अब मुझे लगता है इतना तो आपको पता होगा कि एक्स वाला से एक्स वाले के साथ माइनस होगा, वाई वाला वाई वाले के साथ, और जेड वाला जेड वाले के साथ ही माइनस होगा। अगर आप जेड डायरेक्शन की बात करो तो सिर्फ उसी में माइनस करो, वाई की और जेड की, ठीक है ना। तो आपको एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड वैल्यू मिल जाएगी और आप कहेंगे कि भाई इतना चेंज एक्स में आया है, इतना वाई में आया है और इतना जेड में आया है। एज्यूम कर पा रहे हो इस चीज़ को? चलिए, तो ये बात हो गई भाई आपकी पोजीशन की, जो मैंने उसमें छोड़ दिया था, बहुत बड़ी बात नहीं थी कि ये क्या हो गया सर जिंदगी में। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस और डिप्लेसमेंट की बात करेंगे, लेकिन पहले डिस्टेंस को हम समझ लेते हैं। सो मान लीजिए कि मैं पॉइंट ए पर हूँ, यहाँ पर बीच में मैंने ये कोई पाथ है, ठीक है ना, जिसको मैंने पहले अपना पॉइंट ए डाल रखा है जो मेरा घर है, पॉइंट ई ये चाय की टपरी है जो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है, बीच में कुछ और पॉइंट्स है, पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट बी, बी जो है मेरे दोस्त का घर है, सी जो है एक पुलिस स्टेशन है, डी एक चौराहा है, और उसके बाद फिर मैं ई तक पहुँच जाऊँगा। बीच का मैंने डिस्टेंस भी लिख दिया है, 5 मीटर्स और 10 मीटर्स, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, ध्यान से समझिए, मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं इसको अपना इनिशियल पोजिशन बोल देता हूँ, यहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ, मैं बी तक पहुँचा, कितना ट्रैवल किया मैंने, 5 मीटर्स। यानी अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का आपको डिस्टेंस बोला जाए ट्रैवल करने के लिए, तो आप कहेंगे सर वो तो मैंने 5 मीटर्स कर लिया है, ठीक है ना। अब बी से आपको जाना है सी तक, यानी अब अपने दोस्त के साथ फिर आप आगे जाते हो पुलिस स्टेशन तक, ठीक है ना, ये रहा, ठीक। यानी आपने ट्रैवल किया प्लस 5 मीटर्स, और अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस में आपको कुछ और सोचना ही नहीं है कि माइनस जैसी भी कोई चीज़ इस दुनिया में होती है, एडिशन ही आपके जीवन का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। आप सिर्फ ऐड करते जाओ चीज़ों को, ठीक है ना, सिर्फ ऐड करते जाओ जीवन में, ऐड करते जाओ, ठीक है ना। 5 + 5 ये हो गया 10 मीटर्स, ठीक है ना, ये हो गया इस फिलहाल के लिए आपका डिस्टेंस। अब आप पुलिस स्टेशन पे पहुंच के आपको याद आता है कि भाई अभी मैंने घर पे वो आपका दोस्त याद करता है भाई वो मोबाइल घर पे भूल गया है। अब वो वापस घर पे जाते हो आप लोग, ठीक है ना, ये देखो, हालांकि आप लोग वापस बी पॉइंट पर आ गए, आपके पोजीशन में जो चेंज था बी से वापस बी तक का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप बी पर थे, आप वहां पुलिस स्टेशन तक गए और घूम के फिर से आ गए, पोजीशन में चेंज क्या हुआ बी तक के लिए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। मैंने आपको शुरुआत में कहा टाइप लैपिंग इसके बीच का कोई इसकी अहमियत नहीं है कि टाइम का या इसमें कोई महत्व पड़ रहा है कि भाई कि आपने कितने पॉइंट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, नहीं, यहाँ पर इन सब चीज़ों की बात ही नहीं करनी। आपको सिर्फ बात करनी है कि आपकी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई, टाइम कितना भी लगे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पोजीशन में कितना भी चेंज आए फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इतनी बात करें कि भाई आपने बी से चलना शुरू किया, आप घूम के आए तो सही ना, भले अभी आपकी पोजीशन जीरो है जिस पे आप पहले थे, आप भी उसी पर हो, लेकिन आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैंने कहा भाई अगर आप डायरेक्शन की बात करते ही नहीं हो तो फर्क पड़ता ही नहीं आप किस डायरेक्शन में चलते हो, वापस उसी डायरेक्शन में आते हो या इधर घूम जाते हो या इधर घूम जाते हो, आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आप सिर्फ उसकी बात कीजिए। तो वापस से मैं 5 मीटर्स में क्या करूँगा दोस्तों, ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पर 5 मीटर वापस ऐड हो जाएंगे, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ, जरूरत पड़ेगी अभी इसकी। अब वापस से वो अपना मोबाइल लेते हैं और चले जाते हैं वापस से इस चाय की टपरी पर, ठीक है, ये हो गया 5 मीटर्स, वापस से हो गया 5 मीटर्स, ये हो गया 5 मीटर्स और ये हो गया 10 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ तक के बीच का जो अंतराल आपको दिख रहा है वो है 5 मीटर्स + 5, ये हो गया 20, 25 + 35, यानी डिस्टेंस From point A to B is 35 meters. यूनिट का खास ध्यान रखेंगे, अगर सब कुछ मीटर में है तो मैंने यूनिट भी मीटर में ही लगाया है, सेंटीमीटर किलोमीटर में नहीं लगाया है, तो यूनिट का आपको खास ध्यान रखना है। तो यह भी मीटर में आ गया। अब यहां पर आपको सबक क्या मिला, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल ऑन द पाथ। तो आप कितना दूरी पाथ पर तय करते हो बस इस पर डिपेंड करता है कि आप पाथ पर कितना चलते चले जाते हो, रास्ते पर कितना जाते हो, चलते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, जीवन में कुछ भी मत सोचो कि आपकी फाइनल पोजीशन क्या थी, लास्ट पोजीशन क्या थी, फर्क नहीं पड़ता, आपने चला है बस फर्क इससे पड़ता है। अगर आप किसी गार्डन में हैं और आप गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, हालांकि आपके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा है, आप जब
उसी पॉइंट पर आते हो जहां से आपने शुरू किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चले नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में सोचो ही नहीं कि आपके पोजीशन में क्या चेंज आता है क्या चेंज नहीं आता है, बस चलते रहो, ठीक है ना, ऐड करते रहो। तो ये तो बात हो गई डिस्टेंस के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं डिप्लेसमेंट के बारे में। डिप्लेसमेंट देखो थोड़ा सा अलग है, डिस्टेंस की अपेक्षा डिप्लेसमेंट थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा ही अलग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस में आपको सिर्फ ऐड करना होता है डायरेक्शन। आप अगर इसमें सिर्फ डायरेक्शन ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो पहले मैं ये डायग्राम बना दूं। सेम टू सेम है, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट डी और ये रहा पॉइंट ई, ठीक है ना। सारी डिस्टेंस मैं वैसे ही रखता हूँ ताकि आपको अंतर पता चले कि पहले वाले की अपेक्षा अब क्या बदलाव आ रहा है, इसलिए मैं सारी चीज़ें वैसे ही रखता हूँ, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि क्या अंतर आया सर, ठीक है। अब मैं सब कुछ वही है, ये सी अभी भी पुलिस स्टेशन है एज्यूम कर लीजिए, और ये वही आपकी चाय की टपरी है जहाँ पर आपको जाना है, ए ये आपका घर है, सेम टू सेम सब कुछ चीज़ें हैं। आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, मैंने आपको कहा अब आप डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, ए से चलना शुरू करते हैं, बी तक पहुंचते हैं। अच्छा, इस दौरान आपको डायरेक्शन पता चल रही है, आपको जाना इसी डायरेक्शन में, आप जा भी इसी डायरेक्शन रहे हैं, तो ये आप दे दीजिए इसको पॉजिटिव, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो ये आप बी तक पहुंच गए, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 5 मीटर। तो फिलहाल के लिए ए से बी तक के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, आप देखिए जरा पॉजिटिव है तो कहीं भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो भी 5 मीटर से हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो सेम ही रहने वाले हैं। तो आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक एक स्ट्रेट लाइन चल रही है किसी स्ट्रेट लाइन के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को नोटिस कर लीजिए, किसी स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आप बात कर रहे हो, आप रिटर्न नहीं आते हो, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आप ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अब आप 5 मीटर चल के जाते हो, यही आपका डिस्टेंस, यही आपका डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब मैंने कहा कि भाई अपने दोस्त के साथ आप मिलके फिर आगे तक जाते थे, ये रहा सी पॉइंट तक, मैंने कहा अच्छा इस दौरान फिर से पॉइंट ए से पॉइंट सी के लिए, क्योंकि अभी आप स्ट्रेट लाइन में चले, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी 10 मीटर्स आ गया। लेकिन खेल यहाँ शुरू होता है जब आप वापस आते हो अपना मोबाइल लेने के लिए। अब तक आप पॉजिटिव में जा रहे थे, जिधर जाना चाहिए था उधर चलते चले जा रहे थे, लेकिन अब आप 5 मीटर नेगेटिव आ चुके हैं, आपको जाना इस डायरेक्शन में चाहिए था लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में आए, ठीक है ना। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि हमेशा एक सही लाइन पकड़ो, एक सीधी रेखा पकड़ो, हमेशा सही डायरेक्शन का ध्यान रखो, दिशा सही दिशा पकड़ो। तो आप यहाँ पर आपने सही दिशा नहीं पकड़ी, आपको जाना पॉजिटिव में था लेकिन आगे नेगेटिव में, तो वो आपका सारा फ्यूचर बर्बाद कर देगी, ठीक है ना। आपको जाना तो था प्लस में लेकिन आप आ गए माइनस में, कितना माइनस में आए, 5 मीटर माइनस में आए। तो यहां पर जो 5 मीटर प्लस हुआ था और यहां पर वो 5 मीटर माइनस हो गया। ज्यादा सोचो नहीं, अभी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सोचो नहीं अभी इस चीज की, लेकिन फिलहाल आपको अगर पॉइंट वाइज समझना है तो ये प्लस और ये उतना ही माइनस, तो यहां पर प्लस माइनस तो वैसे खत्म हो गया, यानी अभी आपके पोजिशन में जो चेंज आया है वो जीरो का है। बी से आपकी पोजिशन में जो चेंज आया वो जीरो का है, ए से 5 मीटर वही है, यानी आप जाके वापस आए, इससे डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है कि आपकी पोजीशन क्या है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, फर्क पड़ता है कि ये पोजीशन आपकी क्या है। वापस आप यहाँ चाय की टपरी पर पहुंच जाते हो, यहां से चलना शुरू किया वापस से, क्योंकि ये वापस आप आ गए थे, अब वापस से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, तो पॉजिटिव वाला ऐड होता चला जाएगा। ये था 5 + 5 + 5 यानी हो गया 20 प्लस ये 5 तो 25, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 25 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मैंने पहले वाले में कुछ गलत लिखा था शायद, मैंने पॉइंट ए टू बी लिख दिया था ना, तो पॉइंट ए टू ई, ठीक है ना। तो पॉइंट ए से ई तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया वो है 25 मीटर। अब आप एक चीज़ जरा नोटिस कीजिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं जाकर वापस आ जाते हैं, उसको फर्क पड़ता है कि आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, जो डिस्टेंस में नहीं पड़ रहा था, जो दूरी में नहीं पड़ रहा था लेकिन विस्थापन में पड़ रहा है। तो विस्थापन का फॉर्मूला एक बन जाता है, या जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ हिंदी इंग्लिश, पर आप सबको दोनों ही लैंग्वेज जाननी चाहिए मेरे हिसाब से,
हिंदी और इंग्लिश इसकी जरूरत जे डबल ई में काफी पड़ जाती है कई बार, तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या थी? तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अंतिम स्थिति, माइनस इनिशियल पोजीशन आपकी क्या थी, यानी प्रारंभिक स्थिति। ये फॉर्मूला बड़े में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये झंझट में पढ़ना ही नहीं है जब तक ऐसा कोई सवाल आता नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए प्लस माइनस डायरेक्शन के साथ बात करनी होती है। विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, घटा दो। अच्छा, इस सवाल पे हम ना उसको आजमा के देखते हैं, ठीक है ना। तो आपकी इनिशियल पोजीशन ए पर, और ए पर तो यहीं से तो चलना शुरू किया था तो इसको जीरो मान लेते हैं, और आपकी फाइनल पोजीशन है ई, कितनी दूरी है, 25 meters, ठीक है ना। तो अगर मैं निकालूं विस्थापन, मान लीजिए ऐसे इक्वल कर देता हूं, निकालता हूं मैं 25 meters, ये मेरी फाइनल पोजीशन थी, दूरी जितना मुझे जाना है, इनिशियल थी मेरी जीरो, ठीक है ना। तो 25 - 0 ये आ गया 25 meters। ये देखिए जरा, जब मैंने यहाँ पर बात की थी आपको नहीं लगता सेम सेम ही आ रहा है, तो यानी फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, एकदम फॉर्मूला करेक्ट है कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। हालांकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जब आप बात करते हो तो इस पर सवाल आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, और इस पर सवाल बने एग्जाम में तो बन सकते हैं, लेकिन JEE वगैरह की आप बात करें तो वहाँ बनने वाले नहीं है। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं जैसे 9th के जो बच्चे हैं उनको ये ध्यान रखना है क्योंकि उनके लिए ये सवाल बनते हैं और उनके लिए ये बड़ा टॉपिक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और डिस्टेंस यानी दूरी, ये दोनों का टॉपिक मुझे लगता है इतना इनफ है आपके लिए। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें, इस तरीके का यूज़ करें और आप उन सवालों को हल कर पाएंगे। आप इतना अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर आपको कहीं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मिलता है या तो आप आश्चर्यचकित नहीं हो जाओगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पोजिशन की बात करनी है। मैं यहीं पर था और मैं पूरा सर्कल मार के फिर से यहीं पर चलाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं पर गए थे वापस आ रहे, देख रहे मैं यहीं पर हूँ, तो यानी मेरी पोजिशन में चेंज ये डिपेंड करता है, ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जबकि डिस्टेंस का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। ऐड करते जाइए, चल रहे हैं अगर आपने चला है तो वो ऐड होगा, पर डिस्प्लेसमेंट में माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें आपको अपने इस वीडियो में जो की पॉइंट्स हमारे निकल के आए हैं एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ क्या की पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो आपको अगर जब बात करनी है डिस्टेंस की तो डिस्टेंस ये हमेशा पॉजिटिव, चलते चले जाइए। पाथ लेंथ की बात कीजिए, डायरेक्शन की बात नहीं कीजिए, यूनिट मीटर से, ठीक है ना। वहीं मैं जब बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस ही है प्लस डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, यानी ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आप ध्यान रखते हो पोजिशन का, यानी पोजिशन क्या है, अगर पोजिशन में चेंजेस आ रहा है तब डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर नहीं हो रहा है तो कोई विस्थापन मिलने वाला नहीं है। और लास्ट की पॉइंट जो आपके दोनों के मिक्सर का निकल के आ रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, आप रिटर्न नहीं आ रहे हो, स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल हो सकता है, यानी डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। अच्छा, JEE में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टेंस क्या कभी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है, तो आप याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ही आया है प्लस डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, डिस्टेंस सबसे हाइयर पॉइंट है, ठीक है ना। वो पाथ पर डिपेंड करता है, इस कारण से वो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो ये मैक्सिमम नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अपनी अगली वीडियो में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को क्लियर करेंगे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।